जब से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सत्ता संभाली है, यानी कि वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लगातार वो अलग अलग अंचलों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही साथ विकास कार्य और योजनाओं का लोकार्पण करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उनकी कुछ योजनाओं ने शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनको गदगद कर दिया है। ऐसे की योजना का जिक्र आपसे हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मोहन यादव ने जब से सीएम पद की शपथ ली है, उसके बाद से लगातार वो अलग अलग अंचलों का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सारे जो योजनाएं हैं उनका उन्होंने लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया है। ऐसी ही एक योजना जो कि मोटे अनाज से जुड़ी हुई है, उसको मोहन यादव ने लागू किया है, जिसके बाद उनकी तारीफ करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट लिखी है। आपको बता दें कि मोहन यादव की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया। इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मोहन सरकार के इस फैसले की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर तारीफ की है। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिश्रम और प्रयासों से भारत के श्री अन्न को वैश्विक पहचान मिली है। मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मैं इस निर्णय की प्रशंसा करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि अपनी जीवन शैली और खान पान में श्री अन्न को अवश्य शामिल करें। वहीं आपको बता दें कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना क्या है। दरअसल इस योजना के तहत किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन पर 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। फिलहाल मोहन कैबिनेट के फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं भी प्रेषित की है मोहन सरकार को। आगे देखना होगा कि और कौन सी योजनाएं हैं जो मोहन यादव लागू करते हैं और शिवराज सिंह चौहान उसकी तारीफ करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जहां जा रहे हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में की हुई किसी भी योजना को मोहन सरकार बंद नहीं करेगी। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।